Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने पर हम आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं और दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस रेवोल्यूशनरी एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए आप ना सिर्फ आला तालीम हासिल कर सकेंगे बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहतर तौर पर खिदमात सर अंजाम दे सकेंगे। तो आइए आज हम आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में तफसील से बताते हैं, ख़ास तौर पर ये कि इस इंस्टीट्यूशन में आप किस तरह इफ़ेक्टिवली एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मोड ऑफ स्टडी और टीचिंग मेथडोलॉजी नहायत ही जदीद और ईजी टू अंडरस्टैंड है। स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। इसमें हम टेलीविज़न और इंटरनेट के ज़रिए तालीम मुहैया करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम राइज है। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर सिस्टम में असाइनमेंट्स, मिड टर्म एग्ज़ाम्स और फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं जिन्हें आपने हर हाल में अटेंड करना होता है। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर सिस्टम की सबसे अहम बात यह है कि आज का काम आज ही मुकम्मल करें। मसलन आज का लेक्चर आज ही व्यू करें, हो सकता है इसी लेक्चर पे बेस करते हुए अगले रोज आपको कोई असाइनमेंट या क्विज करने को दे दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअल यूनिवर्सिटी कायम करने का मकसद पाकिस्तान में मयारी आला तालीम का फरोग है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए मुल्क के बेहतरीन और मुमताज प्रोफेसर की खिदमत हासिल करके कोर्सेज तरतीब दिए हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने टीवी चैनल्स पर इन प्रोफेसर्स के लेक्चर्स नशर करती है। ये चैनल्स फ्री टू एयर हैं। पूरे पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर्स इन चैनल्स को दिखा रहे हैं। अगर आपको अपनी केबल पर ये चैनल नजर नहीं आ रहे तो फौरन अपने इलाके के केबल ऑपरेटर से राब्ता कायम करें जिनके नाम और पते वीयू की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर घर बैठे भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वीडियो लेक्चर्स आप यूनिवर्सिटी के अपने टेलीविजन चैनल्स पर देख सकते हैं। इन चैनल्स को ना सिर्फ केबल बल्कि डिश रिसीवर्स पर भी देखा जा सकता है। वीयू टेलीविजन के लेक्चर्स का शेड्यूल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.vu.edu.pk पर स्टूडेंट सर्विसेज के लिंक के नीचे मौजूद है। इसके अलावा आप अपने पूरे कोर्सेज की डीवीडीज को भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुकशॉप से हासिल कर सकते हैं। इन डीवीडीज के हसूल के लिए आप अपना ऑर्डर ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स एक मशहूर वेबसाइट YouTube से वाकिफ होंगे जहां पर पूरी दुनिया में से हर वक्त वीडियोज पोस्ट हो रही होती हैं। अगर आप इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर youtube.com/vu टाइप करें तो आप YouTube पर अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के चैनल को एक्सेस कर सकते हैं जहां पर यूनिवर्सिटी के तमाम कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप लेक्चर्स टीवी पर देख रहे हैं और इस दौरान आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप अपना सवाल नोट कर लें और लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप अपना सवाल LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए पूछ सकते हैं। LMS के बारे में हम आपको तफसील से अभी कुछ देर में बताएंगे। LMS पर 24 घंटे सवालात पूछने की सहूलत मयसर है। इन सवालात के जवाबात आपको ऑफिस आवर्स के दौरान एक या दो घंटे के अंदर देने की कोशिश की जाती है। LMS पर तमाम कोर्सेज के हैंडआउट्स भी दिए जाते हैं। इन हैंडआउट्स को आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुकशॉप से किताब की शक्ल में भी हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक अहम बात आपको बताते चलें कि लेक्चर अटेंड करने से पहले हैंडआउट्स को ज़रूर पढ़ें, इससे आपको लेक्चर समझने में काफ़ी मदद मिलती है। वो स्टूडेंट्स जो होम बेस्ड हैं वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कम्यूनिटी से इंटरेक्ट करें, जबकि कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आपस में एक स्टडी ग्रुप बना लें और प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर लिया करें। जब आपको कोई असाइनमेंट दी जाए तो उसको आपस में डिस्कस ज़रूर करें, लेकिन अपनी अपनी असाइनमेंट खुद सॉल्व करके सबमिट करें। याद रखें, असाइनमेंट्स में चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग के बारे में यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बहुत सख्त है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है।
ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ रابطे में रहते हैं और इसी के जरिए असाइनमेंट्स दी और वसूल की जाती हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स के जहनों में जो सवाल आते हैं उनके जवाब भी इसी के जरिए दिए जाते हैं। LMS e-learning का इंतहाई अहम कंपोनेंट है और स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी हिस्से से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको LMS के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले आप vulms.vu.edu.pk की साइट को ओपन करते हैं। साइट ओपन होने के बाद आपके सामने LMS का होम पेज आ जाता है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह से है। स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पर VU लोगो है और टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन बॉक्स है, जो LMS अकाउंट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी तफसील आगे आएगी। इस टॉप सेक्शन के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पर LMS होम का लिंक है, जो कि दूसरे पेजेस से वापस होम पेज पर आने के लिए है। स्क्रीन के निचले सेक्शन में लेफ्ट साइड पर चार लिंक्स नजर आ रहे हैं। पहला लिंक नोटिस बोर्ड का है। इस लिंक को क्लिक करने से स्क्रीन के बाएं जानिब स्टूडेंट्स को अहम अनाउंसमेंट्स के बारे में आगाह करने के लिए न्यूज एंड इवेंट्स का सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन के टॉप पर सर्च बॉक्स मौजूद है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायर्ड अनाउंसमेंट्स को तलाश कर सकते हैं। इस सेक्शन के बॉटम पर लोड ओल्डर न्यूज का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करने से स्टूडेंट्स पुरानी अनाउंसमेंट्स को भी देख सकते हैं। स्क्रीन के दाएं जानिब आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस का सेक्शन दिया गया है। LMS होम पेज पर नोटिस बोर्ड के लिंक के नीचे इम्पोर्टेंट लिंक्स का हाइपर लिंक दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक कैलेंडर और VU टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले लेक्चर्स के शेड्यूल के अलावा बहुत से दूसरे अहम लिंक्स भी मुहैया किए गए हैं। इम्पोर्टेंट लिंक्स के लिंक के नीचे स्टूडेंट हैंडबुक्स का हाइपर लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपके सामने स्क्रीन पर स्टूडेंट हैंडबुक की वेबसाइट ओपन होती है, जिसके लेफ्ट साइड पर एक मेन्यू नजर आता है। इस मेन्यू में होम के नीचे प्रोफाइल ऑफ अ VU स्टूडेंट का लिंक मौजूद है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो तमाम खसूसियात नजर आती हैं, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक कामयाब स्टूडेंट बनने के लिए जरूरी हैं। इसके बाद अगला लिंक इम्पोर्टेंट नोट का है। इम्पोर्टेंट नोट में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ईमेल और LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के महफूज इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। इस मेन्यू की अगली कैटेगरी में हाउ टू स्टडी एट VU का लिंक है। इस लिंक से आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के तरीकेकार, लेक्चर्स अटेंड करने का तरीका, असाइनमेंट्स, ईमेल करने के आदाब और प्लेजरिज्म की मुमानियत के बारे में हिदायत दी जाती हैं। हाउ टू स्टडी एट VU का अगला लिंक रिसोर्सेज का है। यहाँ पर तमाम तालीमी मवाद के लिंक्स, मसलन YouTube पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स का लिंक, HEC डिजिटल लाइब्रेरी, VU कंटेंट लाइब्रेरी और MIT ओपन कोर्सवेयर के लिंक्स मौजूद हैं। रिसोर्सेज के लिंक के बाद फैसिलिटीज का लिंक दिया गया है। ये लिंक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जॉब की तलाश, ऑनलाइन बुकशॉप, वर्चुअल कैंपसेस, VU टेलीविजन पर नशर होने वाले लेक्चर्स के शेड्यूल और स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में मालूमात फराहम करती है। अगली कैटेगरी एग्जामिनेशंस डिपार्टमेंट की है। यहाँ पर आपको पेपर्स की रीचेकिंग, ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्रीज, डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स के हुसूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। एग्जामिनेशंस डिपार्टमेंट के बाद अगली कैटेगरी रजिस्ट्रार ऑफिस की है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को सेमेस्टर फ्रीज, सेमेस्टर अनफ्रीज, कैंपस की तब्दीली और री एडमिशन के कवायद से आगाह किया जाता है। स्टूडेंट हैंडबुक में आखिरी कैटेगरी कोर्स सिलेक्शन की है। इस कैटेगरी में आपको
कोर्स सिलेक्शन के कवायद और जवाबित के बारे में हिदायत दी जाती हैं। ये सेक्शन वक्तन फवक्तन अपडेट होता रहता है। स्टूडेंट हैंडबुक के बाद कॉन्टेक्ट अस का लिंक मौजूद है, जिसमें तमाम अहम कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट वाइज मौजूद हैं, जिनकी स्टूडेंट्स को दौरान तालीम जरूरत पड़ सकती है। वीयू में दाखिले के बाद तमाम फीचर्स को एक्सेस करने के लिए साइन इन होना पड़ता है। इसके लिए स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड के खाने मौजूद हैं। स्टूडेंट आईडी वाले खाने में आप अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड वाले खाने में आप अपना पासवर्ड टाइप करें। पासवर्ड टाइप करने के बाद साइन इन के बटन को क्लिक करें तो आप LMS के होम पेज पर चले जाते हैं। ये आईडी और पासवर्ड वीयू के एक करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट का है, जिसे हम आपको मालूमात फराहम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन इन होने के बाद होम पेज पर मौजूद इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। आइए इन तमाम हिस्सों का जायजा लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में स्टूडेंट का नाम और करंटली एनरोल्ड सेमेस्टर की मालूमात दी गई है। इसके अलावा सेटिंग्स का लिंक भी मौजूद है, जिसे क्लिक करने से एक नया पेज खुल जाता है, जिस पर मजीद लिंक्स मौजूद हैं। सबसे पहला लिंक चेंज पासवर्ड का है, जिसके जरिए आप अपना वीयू LMS का पासवर्ड अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। इससे अगला लिंक चेंज सीक्रेट क्वेश्चन का है। सीक्रेट क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप सीक्रेट क्वेश्चन के जरिए भी अपना पासवर्ड दोबारा मालूम कर सकते हैं। चेंज सीक्रेट क्वेश्चन के लिंक के जरिए आप अपना सीक्रेट क्वेश्चन भी तब्दील कर सकते हैं। आखिरी लिंक चेंज थीम का है। वीयू ने अपने स्टूडेंट्स को ये सहूलत फराहम की है कि वो थीम के बटन को इस्तेमाल करते हुए वीयू LMS की कलर स्कीम और ग्राफिक्स को अपने मिजाज के मुताबिक वक्तन फवक्तन तब्दील कर सकें। वीयू LMS होम पेज पर वीयू के लोगो के नीचे एक बटन बार नजर आ रही है, जिसमें फराहम करदा इन्फो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला बटन होम पेज का है, जिसके जरिए आप वीयू LMS को इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह से वापस होम पेज पर आ सकते हैं। दूसरा बटन प्रोफाइल का है, जिसमें आप अपनी तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और जरूरत के मुताबिक उसे तब्दील भी कर सकते हैं। तीसरा बटन ग्रेड बुक का है। ये वीयू LMS का एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स न सिर्फ अपने सेमेस्टर वाइज ग्रेड्स के मुतालिक जान सकते हैं, बल्कि उनको ये भी पता चलता है कि उन्होंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने नंबर हासिल किए हैं। इसके अलावा ग्रेड बुक स्टूडेंट को उसका CGPA भी बताती है। चौथा बटन अकाउंट बुक का है, जो स्टूडेंट को ये मालूमात फराहम करती है कि अब तक वीयू ने उसको कितने मंथली फी वाउचर्स इशू किए हैं, उसने इन वाउचर्स में से कितने बैंक में जमा करवा दिए हैं और कितनी फी उसकी तरफ अभी वाजिबुल अदा है। इसके अलावा अकाउंट बुक स्टूडेंट को ये भी बताती है कि इसने फीस कब बैंक में जमा करवाई। अगर किसी स्टूडेंट की माहाना फीस जमा करवाना बाकी हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में माहाना फीस जमा करने का तरीका कुछ यूं है। अकाउंट बुक के पेज पर प्रिंट वाले कॉलम में प्रिंट का लिंक क्लिक करें तो आपके सामने उस माह का फी वाउचर आ जाएगा। उस फी वाउचर को डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट निकालें और उसी वाउचर में दी गई फीस को मुतालिका बैंक में जमा करवाएं। फीस जमा करने के बाद पेड वाउचर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड वाउचर के कॉलम में मौजूद लिंक के जरिए अपलोड करें। बटन बार में अगला बटन पर्सनल डायरी का है। ये फीचर स्टूडेंट्स को ये सहूलत फराहम करता है कि वो अपनी ऑनलाइन स्टडीज के दौरान किसी भी टॉपिक के मुतालिक पर्सनल नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बनाए हुए नोट्स को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। पर्सनल डायरी के बाद अगला बटन लेक्चर शेड्यूल का है, जो स्टूडेंट को उसके सिलेक्टेड कोर्सेज के मुताबिक करंट वीक के लेक्चर्स का शेड्यूल फराहम करता है। अगर आप ये शेड्यूल गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये शेड्यूल न सिर्फ आपको दिन बल्कि टाइम भी बताता है कि एक दिन में आपके मुंतखब करदा सब्जेक्ट्स में से
किस सब्जेक्ट का कौन सा लेक्चर वीयू टीवी पर कितने बजे टेलीकास्ट होगा। लेक्चर शेड्यूल के बाद नोटिस बोर्ड का बटन है। नोटिस बोर्ड के बाद अगला बटन स्टूडेंट सर्विसेज का है। स्टूडेंट सर्विसेज पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने चार कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली कैटेगरी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की है, जहां पर आप पेपर्स की रीचेकिंग, पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री के लिए मुतालिका लिंक के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली कैटेगरी रजिस्ट्रार ऑफिस की है, जहां पर मौजूद लिंक्स के जरिए आप एडमिशन की वापसी, डुप्लीकेट आईडी कार्ड की हुसूल, सेमेस्टर फ्रीज और अनफ्रीज, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हुसूल, कैंपस की तब्दीली और रीएडमिशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाद एकेडमिक्स की कैटेगरी है। इस कैटेगरी में कोर्स सिलेक्शन और HEC डिजिटल लाइब्रेरी के लिंक्स मौजूद हैं। एकेडमिक्स के बाद स्टडी स्कीम की कैटेगरी है। यहाँ पर मौजूद माई स्टडी स्कीम के लिंक पर क्लिक करें तो आपके सामने हर सेमेस्टर के मुतालिका कोर्सेज के नाम और कोर्स कोड्स आ जाते हैं। माई स्टडी स्कीम से आपको अगले सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन में मदद मिलती है। ये सेक्शन वक्तन फवक्तन अपडेट होता रहता है। इसके बाद अगला बटन मेल का है, जो आपको वीयू के फराहम करदा मेल बॉक्स पर ले जाता है, जहां से आप अपने कोर्सेज के इंस्ट्रक्टर्स और यूनिवर्सिटी के दूसरे मुतालिका स्टाफ के साथ ईमेल के जरिए राब्ता रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ईमेल सिर्फ गैर मामूली हालात में ही भेजें। आपकी ईमेल मुख्तसर और टू द पॉइंट होनी चाहिए। अपने मसले को क्लियरली लिखें और उसके हल के लिए रिक्वेस्ट करें। अपनी ईमेल मुतलका शख्स को ही भेजें। हर मसले के मुतलक कंसर्न पर्सन का एड्रेस आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट अस के पेज से हासिल कर सकते हैं। अपनी ईमेल के जवाब के लिए कम से कम 2 दिन इंतज़ार करें। 2 दिन बाद जवाब ना मिलने की सूरत में मुतलका शख्स को पोलाइटली रिमाइंडर भेज सकते हैं। आखिरी बटन साइन आउट का है, जिसके जरिए वीयू LMS से बाहर आ जाते हैं। बटन्स बार के नीचे चेंज पासवर्ड का मैसेज नजर आता है, जो नए स्टूडेंट्स को पहली मर्तबा लॉगिन होने पर और पुराने स्टूडेंट्स को पासवर्ड चेंज करने के हर 15 दिन बाद दिखाया जाता है। इस मैसेज के दिखाई देने पर स्टूडेंट्स को अपना पासवर्ड जरूर चेंज कर लेना चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स के LMS अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। साइन आउट के बिल्कुल नीचे स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए माई टू डू लिस्ट का लिंक दिया गया है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तमाम पेंडिंग असाइनमेंट्स, क्विजेस और GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड की लिस्ट ड्यू डेट के साथ आ जाती है। बटन बार के नीचे आपको वो तमाम कोर्सेज और उनके मुतालिक दी गई मालूमात एक टेबल की सूरत में नजर आएंगी, जो आपने करंट सेमेस्टर में मुंतखब किए हैं। आइए इन मालूमात का जायजा लेते हैं। हर कोर्स के लिए दिए गए टेबल के दाएं तरफ कोर्स अपडेट्स का सेक्शन है, जिसके अंदर आपको हर नई असाइनमेंट, नए क्विज, नए GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, नई अनाउंसमेंट और करंट लेसन के मुतालिक मालूमात फराहम की जाती हैं। किसी भी नई मालूमात के लिए न्यू का फ्लैग आपको अपनी तरफ मुतवज्जह करता है और मुतालिका सेक्शन में व्यू के लिंक के जरिए आप इस नई इत्तला को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्सेज अपडेट्स के बाएं जानिब कुछ आइकॉन दिए गए हैं, जिनमें इस कोर्स के मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की गई हैं। आइए इन आइकॉन्स को तफसील से देखते हैं। सबसे पहला आइकॉन कोर्स वेबसाइट का है, जिसको क्लिक करने से हमारे सामने एक नया पेज खुलता है। ये कोर्स का होम पेज है। इस पेज पर सबसे ऊपर दिए गए आइकॉन्स वही हैं जो हमने VULMS होम पेज पर देखे थे। कोर्स के होम पेज में इस कोर्स के मुतालिक जानने के लिए कुछ टैब्स मुहैया की गई हैं। आइए इनका तफसीलन जायजा लेते हैं। सबसे पहला टैब कोर्स इन्फो का है, जिसके अंदर इस कोर्स की बुनियादी मालूमात और कोर्स के इंस्ट्रक्टर के मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। कोर्स के मुतालिक मालूमात में कोर्स कोड, कैटेगरी, कोर्स टाइटल और इस कोर्स के क्रेडिट आवर्स दिए गए हैं।
इंस्ट्रक्टर्स इंफॉर्मेशन में इंस्ट्रक्टर नेम और वो ईमेल एड्रेस दिया गया है जिस पर इस इंस्ट्रक्टर से कोर्स के मुतालिक सवालात पूछने के लिए या किसी भी एकेडमिक इश्यू पर बात करने के लिए राब्ता किया जा सकता है। दूसरा टैब कंटेंट का है। कंटेंट वाली टैब में मुतालिका कोर्स के तमाम टॉपिक्स के नाम दिए जाते हैं। तीसरा टैब ओवरव्यू का है जिसमें कोर्स की मुकम्मल आउटलाइन मौजूद है। चौथा टैब FAQs का है जिसके अंदर इस कोर्स के मुतालिक वो तमाम सवालात और उनके जवाबात मौजूद हैं जो आम तौर पर इस कोर्स के बारे में किए जा सकते हैं। पांचवा टैब ग्लॉसरी का है। यहाँ पर कोर्स में इस्तेमाल होने वाली स्पेशल टर्म्स और उनकी डेफिनेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फराहम की गई हैं। छठा टैब इंटरनेट लिंक्स का है जिसमें वो तमाम लिंक्स मुहैया किए गए हैं जो आपको इस कोर्स के बारे में मुफीद मालूमात फराहम कर सकते हैं। सातवां टैब बुक्स का है जहां पर इस कोर्स के लिए रिकमेंडेड बुक्स की तफसील फराहम की गई है। आठवां टैब डाउनलोड्स का है जहां से आप कोर्स के हैंडआउट्स और पावर पॉइंट स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। आखिरी टैब ग्रेडिंग स्कीम का है जिसमें इस कोर्स की असाइनमेंट्स, क्विजेस, GDB, मिड टर्म एग्जाम और फाइनल एग्जाम की परसेंटेज मौजूद होती है। कोर्स वेबसाइट के बाद अगला आइकॉन लेसन्स का है जिस पर क्लिक करने से आपको इस कोर्स के लेसन्स की लिस्ट फराहम हो जाती है। किसी भी लेसन के लिंक को क्लिक करने से आप इस लेसन के स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के अलावा इस पेज पर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में दाएं जानिब एक आस्क अ क्वेश्चन आइकॉन फराहम किया गया है जिस पर क्लिक करने से आप इस लेसन के मुतालिक कोई भी सवाल इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। ये सवाल इस लेसन के MDB पर पोस्ट होगा जिसको हम तफसील से बाद में डिस्कस करेंगे। इस आइकॉन के बाद अगला आइकॉन बुकमार्क का है। अगर आप इस लेसन को बुकमार्क कर लेते हैं तो LMS होम पेज पर कोर्स अपडेट्स के सेक्शन में इस लेसन का लिंक गो टू बुकमार्क के नाम से बन जाएगा जिसके जरिए आप डायरेक्टली इस लेसन पर आ सकेंगे। लेसन्स के आइकॉन के बाद अगला आइकॉन लेसन वीडियोस का है जिसके जरिए आप अपने मौजूदा सेमेस्टर के रजिस्टर्ड सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स की वीडियोस देख सकते हैं। लेसन वीडियोस के बाद अगला आइकॉन लेसन ट्यूटोरियल्स का है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को मुतालिका कोर्स की ट्यूटोरियल वीडियोस मुहैया की जाती हैं। लेसन ट्यूटोरियल्स के आइकॉन के बाद अगला आइकॉन क्विजेस का है जिसके जरिए आप अपने क्विज को हल करके अपलोड कर सकते हैं। जब आप इस आइकॉन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कुछ यूं है। सबसे पहले क्विज टाइटल, इसके बाद वो डेट जिस डेट को ये क्विज पूछा गया, इसके बाद इस क्विज की एंड डेट, टोटल मार्क्स, क्विज का स्टेटस, क्विज का सबमिट स्टेटस और रिजल्ट शामिल है। क्विज को सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहां पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा उस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। इसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाता है और सबमिट स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ नजर आ जाता है जिसका मतलब है आपने क्विज हल करके सबमिट कर दिया है। क्विजेस के आइकॉन के बाद अगला आइकॉन असाइनमेंट्स का है जिसके जरिए आप दी गई असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करके इसी पेज पर सबमिट के बटन को इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट की ड्यू डेट तक जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जब असाइनमेंट मार्क हो जाएगी तो इसका रिजल्ट भी
इसी पेज पर आपको नजर आ जाएगा, जिसके साथ आपकी मार्क्ड असाइनमेंट भी होगी, जिसको आप न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इंस्ट्रक्टर के कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, जो आपको मुस्तकबिल में की गई गलतियां न करने में मुआविन साबित होंगे। असाइनमेंट को सबमिट करने का तरीका कुछ इस तरह से है। आपके सामने सबमिट का बटन है। इस बटन को क्लिक करने से आपके सामने एक पेज खुल जाता है। इस पेज पर ब्राउज के बटन को क्लिक कीजिए, जहां पर आपकी असाइनमेंट पड़ी हुई है। वहां जाकर आप अपनी असाइनमेंट पर क्लिक करें और ओपन का बटन दबाएं, तो आपकी असाइनमेंट का एड्रेस सेलेक्ट योर फाइल वाले खाने में नजर आ जाता है। इसके बाद सबमिट का बटन दबाएं, तो आपकी असाइनमेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, और इसके साथ साथ असाइनमेंट वाले पेज पर जहां सबमिट का बटन है वहां सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, वो डेट भी आ रही है जिस डेट को आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया था। सबमिट वाले खाने में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। असाइनमेंट वाले पेज पर आखिरी कॉलम डिस्कशन का है, जहां पर आप दी गई असाइनमेंट के बारे में अपने इंस्ट्रक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स के बाद अगला आइकॉन GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है, जिसको डिस्कस करने से पहले MDB यानी मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड के आइकॉन को डिस्कस कर लेते हैं। MDB वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्पेशल फीचर है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के किसी भी लेसन के बारे में सवालात पूछ सकते हैं और इंस्ट्रक्टर की तरफ से दिए गए जवाबात भी पढ़ सकते हैं। अगर आप MDB के आइकॉन पर क्लिक करें तो आपके सामने एक टेबल की सूरत में कुछ इन्फॉर्मेशन मुहैया की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर लेसन के लिए लेक्चर शेड्यूल के मुताबिक अलहदा MDB खोला गया है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी नए लेसन के लिए MDB खोला जाता है तो गुज़श्ता लेसन के MDB को बंद कर दिया जाता है, लिहाजा एक वक्त में स्टूडेंट्स को एक ही लेसन का MDB खुला हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यह बात भी काबिले जिक्र है कि सवाल सिर्फ उसी लेसन के MDB में पूछा जा सकता है जिसका स्टेटस ओपन है। जिस लेसन के MDB का स्टेटस क्लोज्ड है उसके बारे में आप सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस लेसन के MDB में जिसका स्टेटस उस वक्त ओपन है। स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ सेमेस्टर का खाना है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स किसी भी गुज़श्ता सेमेस्टर में पूछे गए सवालात और उनके जवाबात देख सकते हैं। इस तरह इन्हें इस कोर्स के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद मिलती है। यहाँ पर यह बात भी अहम है कि स्टूडेंट्स सिर्फ करंट सेमेस्टर में किसी भी लेसन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं, पुराने सेमेस्टर्स में ये सहूलत मैसर नहीं होगी। सवाल पूछने का तरीक़ाकार कुछ यूं है कि जिस MDB का स्टेटस ओपन है उसमें दिए गए व्यू के लिंक पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर दी गई इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। सबसे पहले लेसन नंबर है, इसके बाद स्टेटस दिया गया है, इसके नीचे पोस्ट मैसेज का बटन है, जिसको क्लिक करने से आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिस पर आप अपना सवाल टाइप करके पोस्ट मैसेज का बटन दबाएंगे तो सवाल MDB पर अपीयर हो जाएगा। MDB में स्टूडेंट्स न सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं बल्कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के पोस्ट किए गए सवालात पर कमेंट्स भी कर सकते हैं और अपने पूछे गए सवाल पर दूसरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी देख सकते हैं। GDB और MDB में फर्क ये है कि GDB पर इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को एक टॉपिक देता है, स्टूडेंट्स उस टॉपिक पर अपने कमेंट्स जमा करवाते हैं, इंस्ट्रक्टर बाद में उन कमेंट्स को मार्क कर देता है, इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जबकि MDB पर कोर्स के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, इसकी ग्रेडिंग नहीं होती, जबकि GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड की मार्किंग की जाती है
और इसके रिजल्ट को इम्तिहानात का हिस्सा बनाया जाता है। MDB और GDB के आइकॉन्स के सामने स्क्रीन के दाएं तरफ ऊपर वाले हिस्से में सर्च का खाना मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कुछ यूं है कि स्टूडेंट जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहता है इसको सर्च वाले खाने में लिखे। और इसके नीचे दी गई ड्रॉप डाउन विंडो में से किसी भी हिस्से में इसको तलाश कर सकता है, या अगर वो इन तमाम हिस्सों में इस टॉपिक को तलाश करना चाहता है तो सेलेक्ट ऑल करके गो का बटन दबा दे। स्टूडेंट को इस टॉपिक के मुतालिक जितनी भी मालूमात सेलेक्टेड सेक्शन में मुहैया की गई हैं, वो सारी मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मोड ऑफ स्टडी बिल्कुल यूनिक है, इसी तरह VU का एग्जाम सिस्टम भी इंतहाई जदीद और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के लिए तकरीबन मुल्क के तमाम शहरों में इम्तिहानी मराकज कायम किए जाते हैं और हर सेमेस्टर में एक मिड टर्म और एक फाइनल एग्जाम होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी पर्चों की तैयारी भी इंतहाई मुनफरिद होती है और वो कुछ इस तरह कि हर मजमून के माहिरीन एक मंजूरशुदा नमूने के मुताबिक इस मजमून से सवालात का इंतखाब करते हैं जिनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कायम करदा क्वेश्चन बैंक में महफूज कर लिया जाता है और फिर उस क्वेश्चन बैंक में से बजरिया कंप्यूटर हर स्टूडेंट के लिए अलहदा क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। इसकी वजह से VU का इम्तिहानी सिस्टम निहायत ही शफाफ और इफेक्टिव है। स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के बारे में मैं आपको एक मुनफरिद बात बताती हूँ, और वो ये कि VU में एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मुकर्रर करदा इम्तिहानी धुरानिए में रहकर डेट शीट और इम्तिहानी मरकज का ऑनलाइन इंतखाब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि कंप्यूटर ने इंसानी जिंदगी में एक इनकलाब बरपा कर दिया है, उसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेट करना नहायत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स की इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक नहायत मुफीद और आसान कोर्स कंप्यूटर प्रोफिशेंसी लाइसेंस यानी CPL के नाम से तरतीब दिया है, जिसे देखने के बाद जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर से नावाकिफ हैं वो उसे चलाना सीख सकते हैं। CPL की DVD वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुकशॉप से आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये तो थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। VU की पढ़ाई ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं या किसी वजह से यूनिवर्सिटी की रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए भी बहुत आसान है। उम्मीद है कि आपको VU की पढ़ाई और इम्तिहानात के तरीक़ाकार के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हो गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।